हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक जो है ट्रैवल यूट्यूबर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका नाम जो है साइकिल बाबा है और ये वर्ल्ड ट्रैवलर है और ये ट्रैवलिंग करते हैं अपनी साइकिल पे। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और मतलब जो है डिफ़िकल्ट भी होता है ये चीज़ कि साइकिल लेके जो है हम जो है यहाँ पे नज़दीक में कहीं पे जाना हो तो भी स्कूटर जो है उसको स्टार्ट करके ही जाते हैं, जबकि ये बंदा जो है वो सभी जगह साइकिल लेके जाता है, मतलब पूरे कंट्रीज़ में साइकिल लेके घूमता है, क्योंकि एक बहुत ही स्टेमिना वाली बात है, बहुत ही मतलब उसमें पेशेंस चाहिए और जो है आपका मतलब गोल ओरिएंटेड भी होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे जो है ये कुछ आर्टिकल पब्लिश हुआ था 2018 में अक्टूबर के, उन्होंने ये जो है ट्रैवलिंग करे थे यूएई में और 35,000 किलोमीटर से इन्होंने ट्रैवल किया है 25 मंथ्स में। और ये जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर है और ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके का है, यहाँ पे होल्ट किया है उन्होंने दुबई के अंदर। 23 कंट्रीज़ जो है उनका टारगेट है, 23 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुके हैं और 200 कंट्री में जो है ट्रैवल करने की इनकी आशा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरियाणा बेस्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनका नाम जो है राज पांडेन कैसा कुछ है। और यहाँ पे जो है 2016 से उन्होंने अपनी जर्नी जो है स्टार्ट की थी और फिर ट्रैवल एंड पार्ट इन, तो 50,000 जो है ट्री कुछ प्लांटेशन का भी किया है इनने इन्होंने 39 ईयर्स ओल्ड है ये। और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है यहाँ पे उन्होंने अपने बताई है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं शांति से जब भी आपके पास टाइम हो। तो यहाँ पे जो है इनकी चैनल को एक बार देख लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पे यूट्यूब चैनल आर्ट है साइकिल बाबा। और 150 के मतलब 150,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंटली अभी 1 घंटे पहले ही जो है इन्होंने वीडियो पोस्ट किया है, तो अभी तो शायद सभी का ट्रैवलिंग बंद ही है, तो ये मे भी घर पे बैठे बैठे ये सब वीडियोस जो है बना रहे हैं। और इन्होंने ट्रैवल सब जगह दुनिया में किया है, तो इसी रीज़न से जो है उनके फ्रेंड्स भी सब जगह होंगे, तो इनको न्यूज़ भी काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग मिलती रहती होगी, रियल न्यूज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टक हो गए हैं नीदरलैंड के अंदर, तो इन्होंने ये भी यहाँ पे बताया है। और पता नहीं अभी ये वापस जो है इंडिया में आ चुके हैं कि नहीं आए हैं। तो ओके, इस तरीके के आप देख सकते हैं ये अलग अलग जगह ट्रैवल कर रहे हैं। थंबनेल जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इन्होंने टॉपिक्स डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस जो है बनाए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए एक बार जो है इनका ओल्डेस्ट वीडियो देखते हैं, पहला वाला वीडियो कैसा था। ऑलराइट, तो पहला वाला वीडियो जो था 2 साल पहले का था और इस तरीके से जो है सिंपल वीडियोज से जो इन्होंने स्टार्ट किया था और धीरे धीरे जो है आप देख सकते हैं थंबनेल पे वर्कआउट करने लगे हैं। ओके, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मतलब आप अगर इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं तो रियल में एनवायरनमेंट पे इस पर इफ़ेक्ट करता है कि नहीं करता है, लोग जो है ट्री प्लांटेशन ज़्यादा कर रहे हैं कि क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेडियो सिटी पे भी आ गए हैं, बहुत सारी जगह जो है मतलब ट्रैवल किया है और धीरे धीरे अभी जो है इनकी थंबनेल क्वालिटी और सभी जो है इम्प्रूव हो रही है। और चलिए अब जो है इनका सबसे पॉपुलर वीडियो एक बार देख लेते हैं, कितने मिलियंस ऑफ व्यू आए हैं उसके ऊपर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे इनके जो है मिलियंस ऑफ व्यूज़ अभी तक तो नहीं आए हैं कहीं पे भी। ओके, तो इंडिया टू लंदन बाय साइकिल 48,000 किलोमीटर्स इंडिया टू अमेरिका। ओके, पठान बाय होम। ओके, अफगानिस्तान, ताइवान, न्यूज़ रिपोर्टर लव विथ साइबर बाबा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक के जो होती है उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। ओके, तो इनकी साइकिल जो है 1.5 लाख के 5 लाख की साइकिल है इनके मुताबिक। तो आई होप मे बी फ्यूचर में मे बी इनका जो है इंटरव्यू ले सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टफ दैट वर्ल्ड बाइसिकल ट्रैवल कैरीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने जो है 1100 किलोमीटर डेजर्ट के अंदर साइकिलिंग की थी उसका है यहाँ पे। इस तरीके का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है यहाँ पे। ओके, तो उनका जो है यहाँ पे एक चैनल का भी पूरा कर लेते हैं, प्लेलिस्ट देख लेते हैं। ईरान, यूरोप, म्यांमार, इंग्लैंड, इंडिया, आर्मेनिया, सिंगापुर, आयरलैंड, जॉर्जिया, तुर्की, मलेशिया, ताइवान, यूएई, जापान, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, अजरबैजान, ओमान, वियतनाम, बांग्लादेश, कम्बोडिया, तो इतनी कंट्रीज़ में जो है ये ट्रैवल कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 दिन पहले ही जो है यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कुछ वीडियो पोस्ट किया है, सचिन दोहान का कुछ है। ओके, इसके अलावा 4 दिन पहले एक और वीडियो शेयर किया है, यहाँ पे अपने अलावा दूसरे के भी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
और कोई चैनल नहीं है इनका, अबाउट अस सेक्शन में आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत अपनी इन्फॉर्मेशन जो है बताई है। ऑलराइट, पूना करके कोई विलेज है फतेहाबाद हरियाणा के अंदर, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है और अभी तक जो है 50,000 किलोमीटर के आसपास जो है उन्होंने 3 साल 4 महीने के अंदर बाइसिकल पे ट्रैवल कर लिया है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि विशिंग यू क्लीन ब्रेथ ऑफ एयर, और ये सोशल मीडिया उनका प्रेजेंस है यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे 16,000 जो है फॉलोअर्स है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और वर्ल्ड बाइसिकल ट्रैवलर है, 51,000 के आसपास किलोमीटर के आसपास ट्रैवल किया है 3 साल के अंदर, और एक साइकिल 51 कंट्रीज ट्रैवल कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे इंस्टाग्राम पोस्ट हैं यहाँ पे, और 51 कंट्रीज ट्रैवल किए हैं यहाँ पे लिखा है उन्होंने। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इनको डोनेट भी कर सकते हैं पेपल के थ्रू। तो यहाँ पे इन्होंने ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फ़ोटो यहाँ पे रखा है। तो चलिए जो है इनकी अर्निंग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका चैनल अभी वेरीफाइड नहीं है, वेरीफाइड बाय सोशल ब्लेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है इनकी अर्निंग जो है यूट्यूब से अप्रोक्सीमेटली $1,000 के आसपास होती होगी। अभी तक 250 वीडियोज़ अपलोड की हैं, 2011 में स्टार्ट किया था इन्होंने। कंट्री इंडिया है, 150K मतलब 1,50,000 के आसपास जो है सब्सक्राइबर है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, मतलब $1,000 मतलब काफ़ी पैसा है इतना, नहीं मतलब $1,000 से मतलब 70,000 के आसपास इनको अर्निंग होती है। इससे आराम से जो है वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, और यूट्यूब से इतनी अर्निंग होती है तो अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे एक चीज़ अभी जैसे कि आपको बताइए कि कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में जो है तहलका मचा है, और फ्यूचर में जो है ट्रैवलर्स कैसे ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल ब्लॉगर्स जो है जिनको इच्छा होती है कि भाई लोगों के साथ रहें, लोकल लोगों के साथ रहें, और डिफरेंट काइंड ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे कि इंडिया में जो है लोग आते हैं होली का फेस्टिवल, दिवाली का फेस्टिवल मनाने के लिए, जहाँ पे हज़ारों की लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। तो अब फ्यूचर में ऐसा होगा कि इस टाइप के फेस्टिवल्स में ट्रैवलर्स जाने से घबराएंगे, और चांसेस हो सकते हैं, और मे बी इस टाइप के फेस्टिवल्स 2-3 साल के लिए तो बैन ही हो जाए, कि जहाँ पे ज़्यादातर लोग इकट्ठा होते हैं उस टाइप की चीज़ें जो है शायद मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो बैन कर दें। और दूसरी चीज़, लोग जो है स्ट्रीट फूड वीडियोस बनाते हैं तो वहाँ पे भी शायद लोग अभी ना जाएं। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? तो ये एक चीज़ है कि साइकिल बाबा जिस तरीके से ट्रैवल करते हैं उस तरीके से आप भी ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें कि आप ही ट्रैवलर हो, आप अपनी ट्रैवल जर्नी जो है उसको एक्चुअल में जो है सभी जगह शेयर कर रहे हैं, आप इससे मोटिवेट हो सकते हैं। उसके अलावा एक नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज़ है द लास्ट मैन ऑन अर्थ, तो उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये बंदा जो है पूरे मतलब पृथ्वी पे जो है महामारी होती है, सब लोग अचानक से मर जाते हैं और ये एक ही बचता है, तो ये सब बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है मतलब पूरे अर्थ पे कि कोई है ही नहीं, और आप चाहो तो प्लेन उड़ा लो, मतलब एयरपोर्ट पे प्लेन ऐसे ही पड़े हैं, शॉपिंग मॉल खाली है, कोई भी कार के शोरूम में कार पड़ी है, तो आप कोई भी कार ले लो, आप मतलब व्हाइट हाउस में घुस जाओ, कोई आपको कहने वाला नहीं है, बहुत सारी क्रेजी चीज़ें इसने की थी। तो बेसिकली आपको ये सब नहीं करना है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है ऐसा समझ लीजिए कि आप अकेले हैं और आपको अकेले ही सब जगह ट्रैवल करना है और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है, तो उस टाइप का कुछ आपको कंसेप्ट नया लेके आ सकते हैं। सेम तरीके से इनटू द वाइल्ड में भी यही है कि ये बंदा जो है विदाउट मनी ट्रैवलिंग करता है, तो ये भी कोई ज़्यादा लोगों के साथ भीड़ भाड़ में कहीं जाता नहीं है, अकेले अकेले ट्रैवल करते रहना और अपनी लाइफ को जीना, तो इस टाइप का व्लॉगिंग आप कर सकते हैं कैंपिंग करके, ये भी सेम टाइप की स्टोरी है। तो ये कंसेप्ट को जो है आप आगे लेके जा सकते हैं और अपने ट्रैवल व्लॉगिंग जो है उससे आप अर्निंग भी आपकी कंटिन्यूसली चालू रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल किया है, उसका पूरा एक लिस्ट है और मे बी ये मैप में भी दिया है। तो 217 कंट्रीज है, उसमें से 37 कंट्रीज जो है विजिट की है, 17% जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया है, और ये सभी कंट्रीज में अभी ट्रैवल किया है इन्होंने। ओके, इसके अलावा होम पेज पर देख लेते हैं फिर से, यहाँ पे इनकी वेबसाइट का नाम है wheelsforgreen.org। तो यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन दी है इनके बारे में, कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया था 2016-19, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ये सब उनका उसका प्लान था, बट अब तो सभी प्लान जो है ऑलमोस्ट पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। और इन्होंने जो है डॉक्टर कविता मेमोरियल ट्रस्ट के अंदर में भी काम करते थे, ऐसा कुछ है यहाँ पे। इनकी जो है एक बार हम लिंक्डइन प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल भी देख लेते हैं, आप देख सकते हैं डॉक्टर राज प्रधान,
फंदेन या फादान के ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। हरी हिसर हरियाणा से है और एनवायरमेंटल अवेयरनेस का काम करते हैं, यूट्यूबर भी है और यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर है, एमडी है, जो कि अच्छी बात है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं इन्होंने। तो 3 साल से ये चीज़ कर रहे हैं, उसके पहले जो है 14 साल तक वो मेडिकल प्रोफेशनल थे और यहाँ पे भी 6 साल काम किया इन्होंने। और श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने BAMS और MD किया है, सॉरी BAMS किया है, MD जो है यहाँ से किया है, जवाहर नवोदय विद्यालय। हिंदी इंग्लिश पंजाबी 3 भाषा जानते हैं। ओके, आई थिंक तो मे बी इनका टेड टॉक भी शायद हो सकता है। उसके अलावा इनकी फेसबुक प्रोफाइल भी है यहाँ पे, यहाँ पे 2000 फॉलोअर्स हैं। और साइकिल बाबा ओनर है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, JNV से पढ़े हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हील्स ऑन व्हील्स फॉर ग्रीन .org, साइकिल साइकिल बाबा .com जैसे, ये भी वेबसाइट खाली डोमेन लिया है इन्होंने, इस पर कोई खास काम नहीं किया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है इनकी प्रोफाइल है, तो इनको जो है आप ज़रूर फॉलो करें, इनके वीडियोस देखें और इनका जो मिशन है इसमें भी अगर आप हो सके तो पार्टिसिपेट करें। और अगर आपको भी ट्रैवल ब्लॉगर बनना है तो मैंने जो आपका आइडियाज़ दिए हैं वो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एन्जॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।